अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है? अख्तर नाम है। अच्छा अख्तर भाई, आप मुझे बताएं, जिस तरह का ये रमज़ान सस्ता बाजार लगा हुआ है मुस्लिम लीग की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा इकदाम है मरकजी मुस्लिम लीग का। ये यूसी 98 बनी स्टाप पे ये बाज़ार लग गया है पहली दफ़ा, और बहुत अच्छा इकदाम है। हम इसको जनाब अप्रिशिएट करते हैं और बहुत लोग मुतफी हो रहे हैं, इससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, गरीब लोगों को, और हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं और बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा, जैसे चौधरी शफीक साहब, हमने इससे पहले भी देखा है, एक बहुत बड़ा फलाही कामों के हवाले से एक बहुत बड़ा कैरियर है उसका, क्या कहना चाहेंगे? जैसे सियासत में आने का इरादा रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सियासत से हटकर भी शफीक रहमान साहब एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इकदाम है। इनका खिदमत, इनका वेलफेयर करना, गरीबों का वेलफेयर करना और पाकिस्तान अवाम की खिदमत करना बहुत अच्छा है, और हम सियासत भी इंशाल्लाह इनके साथ हैं, और ये इनकी सियासत भी इंशाल्लाह बेहतर है, दूसरी पार्टियों से बहुत अच्छी है। अच्छा अख्तर भाई, क्या लगता है आप, इस तरह के इकदाम क्या हुकूमत का काम नहीं है? बिल्कुल हुकूमत का इकदाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ बिल्कुल हुकूमत कोई इस तरह गरीब तबका लोगों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, और इसी तरह वेलफेयर, जिस तरह के वेलफेयर खिदमत वाले हैं या दूसरी वेलफेयर जितनी भी हैं लोग करने वाले हैं, इस तरह के शफीकुर रहमान साहब जिस तरह कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह सियासत में लोग इस तरह आगे आएँ और इस तरह के लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। क्या इस तरह के इकदाम से आने वाले इलेक्शन पर असर हो सकता है? बिल्कुल जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर आवाम बाशूर है और इस बात को समझती है, जो गुरबत की चक्की में पिस रहे हैं लोग, उनको फ़ायदा हो रहा है, और बिल्कुल वो शफीक रहमान साहब के साथ हैं और ऐसे लोगों के साथ हैं जो वेलफेयर का काम करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, और इंशाल्लाह जी हम इन लोगों के साथ हैं। थैंक यू।